सुप्रभात मित्रों, आज मैं जा रहा हूँ माता पुण्यागिरी के दर्शन करने। आप लोगों को भी दिखाता रहूँगा कैसे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं दर्शन करते हुए। साथ में बने रहिए, अभी कुछ देर में ही मैं निकलने वाला हूँ अपने चंद मित्रों के साथ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जय माता दी। तो सब लोग मिल चुके हैं, अभी कुछ बाकी हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे अनिल साहब जो पूरे हेलमेट पे हैं। ये हमारे ये शर्मा रहे हैं कैमरे से। क्या नाम है आपका सर? अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र भाई। सुरेंद्र भाई उर्फ बुड्ढू बुड़ऊ। ये लकड़ी का पुल है, यहाँ पेमेंट करनी पड़ती है। एक एक लोग ये हैं, एक आगे चले गए हैं। पुल का इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि डर था कि मोबाइल ना गिर जाए। वो देखो मछली भी मारी जा रही है। जंगल जंगलू जंगल रास्ता, हाथी भी मिल सकता है। और ये देखो गेंडा आ रहा है वो पीछे। पहुंच गए हैं खटीमा बाईपास। नई सड़क बनी एकदम जबरदस्त। और कुछ लोग अभी पीछे हैं, कुछ लोग आगे हैं। हमारे प्रकाश भाई अपना मुंह साफ करते हुए, क्योंकि काफी धूल धक्कड़ हो गई है। टनकपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सामान खरीद रहे हैं। टनकपुर में ये दोनों बैठे हुए हैं, अभी मिल गए हैं। और दो लोग गायब हैं, अभी मिल नहीं रहे हैं। टनकपुर पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ टनकपुर में। वाओ, टनकपुर पहुंच गए हैं। माता रानी की तरफ जा रहे हैं। माता रानी के रास्ते रास्ते में पैराग्लाइडिंग हो रही है, शानदार। और अब हम थोड़ी जगह रुक गए हैं चाय पानी करने के लिए। मैगी वैगी खाएंगे। यहाँ पे देखिए राप्ता, पूरा सड़क पे पानी ही पानी है। और बहुत आज थोड़ी धुंध पड़ी हुई है। ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं। कितनी भीड़ आ रही है, पूरी सड़क पे पानी गिरा हुआ। ऑडी आ रही है, ऑडी। आ वाह, ऑडी ले लूं भाई, ऑडी का नंबर देख रहे हैं। 1,000 है भाई, नंबर देख। पहुंच गए हैं माता पुण्यागिरी दरबार में। अब यहाँ से चढ़ाई करेंगे। है क्या मिटा? हाँ, इस बार मिटा दिया। अब यहाँ से चलते हैं। हाँ, पैदल पैदल पूरे 3 किलोमीटर। कुछ तो है ना, बजा दिया। जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सांस फूल गया भैया का। आराम से आराम, रिलैक्स। इतना शर्मा क्यों रही हो मेरी जान? रिलैक्स। ये है मेरा दोस्त, बुढ़ा हो चुका है। तो हमेशा कौन से जवान रहेंगे? साईं बाबा भी जवान थे, वो भी बात बुढ़े हो गए। देख ले मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ तेरे से। हैं हम लोग माता रानी के दरबार पे। 6:28 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी तो खुला है लेकिन हम सुबह जाके अपना दर्शन करेंगे। अभी आराम करेंगे हम लोग। अभी देख रहे हैं कहाँ रुकेंगे। हमारे प्रकाश भाई को कुछ मिल नहीं रहा है कि कहाँ रुके कहाँ नहीं। काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं मिल रहा, लेकिन वाईफाई पूरा है कह रहे हैं। और दोस्तों अब हमने अपनी धर्मशाला ले ली है और आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके की धर्मशाला है। इस बार हमने कमरा बुक किया, कमरा ओयो कमरा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए बैठे हुए हैं लाल लाल मणि साहब, अनिल जी, सूरज जी के दोस्त, सूरज जी के भाई। बहुत आनंद आ रहे हैं, आनंद आ रहा है। ये कमरा है, देखिए कमरे में घुसो। ये पूरा कमरा ले लिया हमने। और जूते बदबू आ रही है, देखो सोए। ये कमरा और जूते, देखिए देखिए जूते के बगल में सोए हैं, जूते बदबू भी आ रही है। जी बोलिए सर, आप ही तो हो एक एंटरटेनिंग। सर माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए सर, बोलिए। आपने ब्लॉग बना रहे था, हम जूते का। हाँ, ये जूते रखे हैं इनके, बदबूदार जूते। मैं
मैच का एंजॉय। हाँ, और एक और नई बात है दोस्तों, इस बार वाईफाई मिला फ्री वाईफाई। अनिल फ्री वाईफाई का फुल यूज कर रहा है, इनके लिए खास तौर पे, अनिल का काम नहीं रुका। इस बार फ्री वाईफाई भी मिला हमें, ये एक नई चीज आज मिली है, फ्री वाईफाई जितना यूज करो करो। गोलू एट द रेट 27 12 ये पासवर्ड है, जब भी तुम लोग आओ पुण्यगिरी तो डाल लेना गोलू एट द रेट 27 12 पासवर्ड। अब रखते हैं, थोड़ी देर में खाना खाएंगे, क्या लाए हैं वो बताएंगे। वीडियो देखो 1080p देखो ना, अब मार फ्लैश लाइट मार रखी है, लो लो विदाउट फिल्म देख लो ना, देखो ब्राइटनेस तुमने ज्यादा करी है, खर्चा करो ज्यादा, ऐसा है ना कि अपना ग्रुप में डाल देना फोटो ना, देख लो, आओ लो ऊपर करो, लो देखो, हाँ देखो ना, पूछो किसी से भी लो, क्लीन और क्लियर जैसी शक्ल है। अच्छा चलो, अब दोस्तों हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं, और ये देखिए क्या क्या है हमारे पास, आलू के पराठे, अभी मोबाइल की क्वालिटी बाद में देखेंगे, पराठे प्याज के पराठे, ये देखिए पराठे प्याज के, आलू के और गोभी के, मेथी के, और ये गोभी आलू की सब्जी, आम का सभी तरीके का खाना, आम का अचार, सारा व्यंजन मिलेगा, दही खोले फिर क्या करें, ताज होटल भी फेल है हमारे खाने के सामने, इतना भोजन हम लोग, और मिर्च का अचार, स्पेशल मिर्च का अचार भाभी जी ने भेजा है मेरे लिए। अनिल अभी खोलते हुए अपनी क्या खोलते हुए क्या दही दही अपनी दही खोलते हुए सुन के देख रहे हैं कि दही कैसा है, और ये हमारे बड़े भाई साहब दिमाग से थोड़े पैदल हैं लेकिन काम, और इन्होंने इस बार मूंछों पे काला रंग नहीं लगाया है। दानू भाई दही खाओगे तुम, थोड़ी सी ले लेंगे यार, थोड़ी सी क्यों, बहुत लो भैया, मना कौन कर रहा है, दही पे किसमें, दही ले लेना प्रकाश। अब तो हम लोग लेट चुके हैं, देखिए सभी लोग अपने बिस्तर में, बिस्तर यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जगह भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इस बार हमने पूरा कमरा बुक कर रखा है अपने लिए, नाइट गाइस, और अब कल सुबह का वीडियो दिखाऊंगा जो सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, मैं नहा लिया हूँ, बाकी सब लोग नहाने चले हैं, और अब हम थोड़ी देर में कपाट खुलेंगे 6 बजे, तो जाएंगे हम लोग दर्शन करने, और अभी तक कुछ खाया पिया है नहीं, गला भी सूख रहा है, पानी मिला नहीं, इतना ठंडा पानी, बस गर्म पानी मिल गया था, यही गनीमत है, हम नहा लिए, बाकी अभी तक कोई नहाया नहीं है, मैं अकेला नहाया हुआ हूँ अभी, बाकी सब फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, और इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, कसम से बहुत ज़्यादा ठंड है आज, आज के यहाँ तो हमेशा ही रहती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा है, तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं, जब दर्शन करने जाएंगे, सब नहा के आ जाएंगे, तब तक के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए बादल दिख रहे हैं, और हम बादलों के ऊपर हैं, और उधर माता रानी का मंदिर, ऊपर जाएंगे अभी, हो गए हैं, ये देखिए सूरज भाई आ गए हमारे, और बाकी ये आ गए हैं, आपका नाम आशीष, आशीष जी भी आ गए हैं, जय माता दी, जय माता दी, अभी कुछ लोग नीचे ही हैं, वो अभी ऊपर आ नहीं रहे हैं, ये नीचे, ये देखिए हमारे प्रकाश भाई कंटोपा लेके आ रहे हैं, और उनके पीछे मणि भाई चले आ रहे हैं, मणि भाई आ रहे हैं, और सरगना जो है हमारे, सरगना अभी तक नहीं आए, सरगना कहाँ है, सरगना चढ़ते हुए पूरे हीरो बन के आए हैं, माता दी जय माता दी, आओ आओ जय माता दी, ए तेरे को पहाड़ी थोड़ी, वो थोड़ी देसी कह रहा हूँ, तुम तो पहाड़ी हो चुके हो, क्यों कालू भाई, जय जय, अभी सबके घोड़े खुल जाएंगे चढ़ने में, जो चल दौड़ लगा रहे हैं ना, सबके घोड़े खुल जाएंगे, भी ले लो 10 रुपए क्या है, किसी में नहीं, नहीं पहले था मेरे मोबाइल में यार, वो निकल चुके हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ताओ मत बोलो यार, अभी तो 18 साल का अभी नहीं हुआ, इस बार आधार कार्ड बनेगा लड़के का, पहुंच गए हैं, और भीड़ काफी है, तो
ये आरती शुरू कर दी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। ये देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। तो वैसे तीन बार चार पांच बार, लेकिन ऐसा व्यू कभी नहीं देखा। हम तो हर साल देखते हैं, लेकिन अब क्या आएंगे। जय माता की। दर्शन हो गए हैं मित्रों, और अब वापसी कर रहे हैं। धीरे धीरे चलेंगे, अब काफी अच्छा लग रहा है। ब्लॉगर भैया, ब्लॉगर भैया, ब्लॉगर, मैं अपने कैमरे में सबको कैद कर लूंगा। प्रसाद दस दस के हैं। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के दर्शन कर लो। ये मेरे पीछे जा रहे हैं, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज। यो यो द टेबल ऑन हेड, हेड ऑफ द टेबल, हेड ऑफ द टेबल। दोस्तों वापसी, नीचे सारा प्रोग्राम हो गया, अब नीचे जा रहे हैं। गोल्डन चश्मे वाले दो भाई आए हैं, सब पे छा जाएंगे। गोल्डन बॉय पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा व्यू आ रहा है माता पुन्नागिरी का। वापसी हो रही है हमारी, थोड़े बंदर भी बैठे हुए हैं तो घबराहट है, ये कुछ छीन छान ना ले। तो यह है झूठे का मंदिर। कहानी तो पिछले ब्लॉग में मैंने बताई दी थी क्या थी, तो इस बार नहीं बता रहे, खाली मंदिर देख लो। झूठे का मंदिर में आपका स्वागत है। कहानी बता दूं क्या, ऐसी है कि किसी ने मन्नत मांगी थी, काफी व्यापारी था कोई व्यापारी था, उसने मन्नत मांगी थी, तो वो मन्नत उसकी पूरी हो गई। और उसने कहा था मैं सोने का ही चढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी नियत खराब हो गई और उसने सोने का पानी चढ़ा के ये ले आया। और जब ये रास्ते में आके वो लोग थक गए, तो उनको प्यास प्यास लगी, तो उन्होंने यहाँ पे वो मंदिर रख दिया। और जब वो दोबारा उठाने गए, तो ये मंदिर यहीं स्थापित हो गया, उठा ही नहीं। तब से इसका नाम झूठे का मंदिर। कहता है कि वो झूठ बोला उसने, ऐसा करने करा उसने, ये काम गलत काम किया। फिर उसने माता से काफी माफी मांगी, तो उसका ये यहाँ पे स्थापित हुए को मंदिर को भी लोग झूठे का मंदिर बोलते हैं। कर लीजिए दोस्तों, नीचे आ गए हैं गाड़ी के पास, अपने गाड़ी पकड़ते हैं, फिर टनकपुर जाएंगे। ठीक छो, चलते हैं मित्रों। जय माता दी। कहाँ है गाड़ी अपनी? ये है क्या 1268? बाहर किसने निकाली? बाहर किसने निकाली है? छोले यहाँ के पुन्नागिरी के, ये देखिए छोले खा रहे हैं हम लोग। ये अंकल जी हमें छोले खिला रहे हैं। क्यों अंकल जी, बताइए कैसे बनता? फूड ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। ये फूड ब्लॉगिंग वाले बड़े गंदे होते हैं यार, हर जगह जाके। अंकल जी फ्री में खिलाओगे ना? मैं आपको वो कर रहा हूँ ना, हिट कर दूंगा, हिट आपसे पहले ले जाएंगे ना, हिट कर दूंगा आपको मैं, हिट आपसे पहले लिए जाएंगे कह रहे अंकल जी। अंकल जी बिल्कुल हमारी मेजॉरिटी है। ये देखिए ये लोग सेल्फी पॉइंट बना रखा। आप पानी में भी जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे नहीं। कल कल करती धोनी। ये हम लोग इंडिया में हैं, और उस तरफ है नेपाल। वो देखो नेपाल की झोपड़ी भी दिख रही है, दिख रही है झोपड़ी? नेपाल में आ गए, ब्रह्मदेव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद बैठेंगे खाना खाने। ब्लॉगिंग वाले तो यही दो हैं, ब्लॉगिंग बनाने वाले तो यू नो।
और हमें सब बुला रहे हैं, वहीं जाएंगे। A1 थी वो। बाबा जी के यहाँ पहुँच गए हैं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छी जगह है ये, शांति बाबा जी के यहाँ पहुँचे हैं, दर्शन कर लिए हैं, तीन मार लेते हैं, चक्कर लगा रहे हैं हमारे बैग की परचेसिंग करते हुए। बैग, बेल्ट, क्वालिटी चेक, इनको पसंद कुछ नहीं आ रहा है, क्वालिटी चेक कर रहे हैं ये। ताना छोटा हो गया इसका, अच्छा बहुत बड़ा हो गया। हम लोग नेपाल में, यहाँ देखिए बोतलें, जिसको जो पीनी है। A1 बना रखा आपको, ये A1 होटल। चाचा जी भी आ गए अंदर, आप चल दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं घर की तरफ। नेपाल का भी हो गया सब सिस्टम पूरा। नेपाल पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है। नानक मत्ता पहुंच गए हैं। देखिए नानक मत्ता का दृश्य आप, कितना प्यारा दृश्य है। लेकिन अंदर से फोटो खींचना सख्त मना है, इसलिए अंदर से तो मैं बिल्कुल ही नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को। टूर गया है और घर पे पहुंच गया हूँ। बच्चों के लिए कुछ खिलौने लिए हैं, दिखाता हूँ क्या लिया है। एक तो ये है, ये दूसरा प्रोडक्ट ये है, दूसरा प्रोडक्ट ये है, इसके ऐसे हंसता है। निकालो इसका वो भैया, और ये इसको निकालने पर रोता है। ये लेके आए हैं हम। तीसरा प्रोडक्ट ये है, इसको ऐसे दबाओ तो ये हवा देता है और ऐसे रुक जाता है। वाओ। तो दोस्तों अब ब्लॉग एंड करते हैं। जय माता दी।